लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच पार्टी की तरफ से वीआईपी सीटों पर भावी प्रत्याशियों का संकेत भी मिलना शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जबकि मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कन्नौज पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तो इस बात पर मुहर ही लगा दी और कहा अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे और उन्हें भारी बहुमत से जिताया जाएगा। शिवपाल ने कुछ समय पहले ही फिरोजाबाद जाकर अक्षय यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में अक्षय और शिवपाल आमने सामने थे, लेकिन इस बार दोनों साथ हैं। खुद शिवपाल यादव के इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की संभावना है। धर्मेंद्र यादव यहां से पिछले उपचुनाव में लड़े थे, लेकिन भाजपा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब धर्मेंद्र भी अपनी पुरानी सीट बदायूं से लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की संभावनाओं की बात की जाए तो इन दिनों उन्होंने यहां आना जाना भी काफी तेज कर दिया है। अखिलेश ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भी कन्नौज से ही लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। ये सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है और सपा का पुराना गढ़ भी, लेकिन पिछली बार भाजपा ने सपा से ये सीट छीन ली थी। यहाँ भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को हराया था। बाद में दिवंगत मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिम्पल यादव ने उनकी सीट मैनपुरी से उपचुनाव में ताल ठोकी और संसद पहुंच गई, पर अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा इसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।